नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष शर्मा। ऑस्ट्रेलिया के तूफानी ओपनर डेविड वॉर्नर ने क्या टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? क्या एशेज 2023 में खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है? अब सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें चल रही है, और जब ये बातों को उफान जब मिला जब डेविड वॉर्नर की पत्नी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली, उसके बाद से सारे के सारे जो फैंस हैं वो सदमे में आ गए। पूरे सोशल मीडिया में आग लग गई कि क्या डेविड वॉर्नर अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो सबसे पहले उस पोस्ट के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेविड वॉर्नर की पत्नी ने क्या पोस्ट किया है। डेविड वॉर्नर की वाइफ कैंडी वॉर्नर ने हमने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके तहलका मचा दिया। जैसा कि आपको बताया, डेविड वॉर्नर की वाइफ कैंडी वॉर्नर की ये पोस्ट देखकर लोग दंग हैं। वॉर्नर की पत्नी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वह अपने पति डेविड वॉर्नर और बेटियों के साथ नजर आ रही है। डेविड वॉर्नर की वाइफ कैंडिस वॉर्नर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, हमारे लिए एक युग का अंत, टेस्ट क्रिकेट का साथ दौरा रहा, बेहद सुखद यात्रा रही, तमाम सपोर्ट करने वाले लोगों और महिला लोग को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और उनका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। लव यू डेविड वॉर्नर। तो ये था डेविड वॉर्नर की पत्नी का पोस्ट, जिसके बाद से पूरी क्रिकेट जगत में तहलका मच चुका है। आपको बता दें कि डेविड वॉर्नर जो एशेज 2023 में उसमें बेहद खराब प्रदर्शन रहा था, उससे पहले भी टेस्ट क्रिकेट में उनकी जगह की बात बन रही थी। वो केवल एशेज में एक अर्धशतक लगा पाए हैं और डेविड स्टुअर्ट ब्रॉड का बार बार वो शिकार बन रहे हैं। अगर डेविड वॉर्नर के टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो 36 साल के इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 160 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 44.61 की औसत से 8,343 रन बनाए हैं। इसमें वॉर्नर के नाम 25 शतक और 35 अर्धशतक शामिल है। वहीं अगर वनडे क्रिकेट की बात की जाए तो 107 वनडे में उनके नाम दर्ज है, 6,030 रन, 44 से ही ज़्यादा की औसत, जिसमें 19 शतक और 27 अर्धशतक शामिल है। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए डेविड वॉर्नर ने 99 T20 इंटरनेशनल भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 32 से ज़्यादा की औसत से 2,894 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने एक शतक और 24 अर्धशतक लगाए हैं। तो जो डेविड वॉर्नर की पत्नी है, उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल हो रहा है। हालांकि डेविड वॉर्नर या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की साइड से अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ सामने आई नहीं है। हालांकि जो बातें आ रही है अब यही आ रही है कि डेविड वॉर्नर आपको ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नहीं दिखेंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि टेस्ट के ये जो एशेज सीरीज है उस पर उसके बाद वो फैसला लेंगे, लेकिन क्या खराब फॉर्म के बाद उन्होंने 3 टेस्ट मैच के बाद ही संन्यास ले लिया? आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या डेविड वॉर्नर के जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम कमजोर होगी, या आपको लगता है कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया डेविड वॉर्नर के बिना भी अच्छा कर सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।